संभल भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल में स्थित एक जिला है। सतयुग में इस स्थान का नाम सत्यव्रत था, त्रेता में महतगिरी, द्वापर में पिंगल और कलयुग में संभल है। इसमें 68 तीर्थ और 19 कुप हैं। यहाँ एक अति विशाल प्राचीन मंदिर है। इसके अतिरिक्त तीन मुख्य शिवलिंग हैं। पूर्व में चंद्रशेखर, उत्तर में भुवनेश्वर और दक्षिण में संभलेश्वर हैं। प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल चतुर्थी और पंचमी को यहाँ मेला लगता है और यात्री इसकी परिक्रमा करते हैं। संभल में रेलवे स्टेशन पर मुगल सम्राट बाबर द्वारा बनवाई गई बाबरी मस्जिद भी है। यह कृषि उत्पादों का व्यावसायिक केंद्र है। टॉलमी द्वारा उल्लिखित संबकल को संभल से समीकृत किया जाता है। यहाँ ऐसी पौराणिक मान्यता है कि कलयुग में कल की अवतार शंभल नामक ग्राम में होगा। लोक मान्यता में संभल को ही शंभल माना जाता है। मध्यकाल में संभल का सामरिक महत्व बढ़ गया क्योंकि यह आगरा व दिल्ली के निकट है। संभल की जागीर बाबर के आक्रमण के समय अफगान सरदारों के हाथ में थी। बाबर ने हुमायूं को संभल की जागीर दी लेकिन वहां वह बीमार हो गया, अतः आगरा लाया गया। इस प्रकार बाबर के बाद हुमायूं ने साम्राज्य को भाइयों में बांट दिया और संभल सूरी को मिला। शेरशाह सूरी ने हुमायूं सूरी को खदेड़ दिया और अपने दामाद मुबारक खां को संभल की जागीर दी। अब्बास खां शेरवानी के अनुसार बाबर के सेनापतियों ने यहां कई मंदिरों को तोड़ा था और जैन मूर्तियों का खंडन किया था। इतिहास संपादित करें, संभल एक पुराना उपनिवेश है जो मुस्लिम शासन के समय भी महत्वपूर्ण था। वह सिकंदर लोदी की 15वीं सदी के अंत व 16वीं सदी के शुरू में प्रांतीय राजधानियों में से एक था। यह प्राचीन शहर एक समय महान चौहान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की राजधानी भी था। वह संभवतः यह वही है जहां वह अफगानियों द्वारा द्वितीय युद्ध में मारे गए। मकान टूटे लोग झूठे के लिए भी इसे जाना जाता है, लेकिन इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। कुछ निवासियों के द्वारा इसका वर्तमान में सत्य होने का दावा किया जाता है। 1991 की जनगणना में संभल को पूरे देश में न्यूनतम साक्षरता वाला पाया गया था, लेकिन समय के साथ स्थितियों में सुधार आया है। इल्म और तरक्की का इतिहास समेटे है संभल। भले ही दीपासराय के एक व्यक्ति का नाम आतंकी संगठन से जुड़ा हो, लेकिन इसके लिए क्षेत्र के इतिहास को नहीं भुलाया जा सकता जो इल्म और तरक्की से जुड़ा है। आर्थिक स्थिति में छोटे हो या बड़े पर संभल के वाशिंदे अपने हुनर, इल्म और अखलाक के बदौलत देश में ही नहीं विदेशों में भी अपने शहर को एक अच्छी पहचान दे रहे हैं। अपने शहर की पहचान को अलकायदा नेटवर्क से जोड़ने पर लोगों को ऐतराज है। लोगों का कहना है कि एक दो लोगों के पकड़े जाने से किसी शहर को आतंकी नेटवर्क का हिस्सा कैसे बताया जा सकता है। यह सवाल उठा रहे तमाम लोगों ने शनिवार को हुई बातचीत में कहा कि हुनर और सियासत में संभल का बड़ा नाम है। सियासी अतीत में जाएं तो ऐसा हक संभली नवाब महमूद मुकीमुर रहमान खान जैसे दिग्गज नेताओं से जुड़ता है। मौजूदा परिवेश में आए तो पूर्व सांसद डॉ शफीकुर रहमान बख, कैबिनेट मंत्री नवाब इकबाल महमूद और पूर्व मंत्री अकीलुर रहमान खान, उर्दू अकादमी की अध्यक्ष तरन्नुम अकील और इसी अकादमी के अध्यक्ष रहे आजम कुरैशी का नाम आता है। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी यहां से सांसद रहे हैं। नौकरशाही में संभल के प्रतिनिधित्व की बात आए तो कौन भूल सकता है कि दीपासराय के निवासी नासिर कमाल इन दिनों ईडी जी हैं। अतीत में जावेद उस्मानी उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव रह चुके हैं। अतीत में संभल के सिरसी निवासी सईद नवाब हसन हैदराबाद में निजाम के यहाँ जज रहे हैं। मौजूदा समय में इल्म की बात करें तो मौलाना मुफ्ती अब्दुल खालिक संभली का नाम सबसे पहले आएगा। वह देवबंद में स्थित दारुल उलूम के प्रो वाइस चांसलर हैं। बरेली यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर मुशाहिद हुसैन भी यहीं के हैं। हिकमत में हकीम रईस ने संभल को कई मुल्कों में पहचान दी। उनके नुस्खे तमाम बीमारों को नई जिंदगी देते रहे हैं। हकीम रईस के नाम पर यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाया गया है। सऊदी अरब में कारोबार से अपनी पहचान बना चुके नदीम अख्तर तरीन अब अपनी सामाजिक सेवाओं से देश प्रदेश के कई हिस्सों में संभल को नई पहचान दे रहे हैं। उन्होंने अलीगढ़ में तरीन मेडिकल कॉलेज और तरीन यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। रियाद, जद्दाई समेत कई शहरों में उनके बनाए कॉलेज संचालित हैं। हुनर की बात करें तो हाफिज हबीबुर रहमान सैफी ने हड्डी सिंह से आभूषण बनाकर संसार में संभल को पहचान दी। अब तो विदेशों में हड्डी सिंह से बने सुंदर सुंदर आभूषण बहुत पसंद किए जाते हैं। इसके अलावा मेथा का बड़ा कारोबार भी संभल की पहचान। संभल जिले में तीन तहसीलें हैं जिनके नाम संभल, चंदौसी और गुन्नौर है। इनमें संभल तहसील सबसे बड़ी और गुन्नौर तहसील सबसे छोटी तहसील है। भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बेहुश्रुत संयोगिता हरण और वेव हसे जुड़ा चक्की के पाट का वजूद खतरे में है। शहर के मुख्य बाजार में डाकखाना रोड पर टंगा चक्की का पाट संभल की ऐतिहासिक धरोहर है। उपेक्षा का आलम यह है कि चक्की का पाट कंपनियों के विज्ञापन बोर्ड के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अगर उपेक्षा जारी रही तो पृथ्वीराज चौहान की यह निशानी हकीकत की धरती से मिटकर सिर्फ स्मृतियों में कैद होकर रह जाएगी। सियासी तौर पर वीआईपी शहर होने के साथ साथ संभल की धरती कई
ऐतिहासिक धरोहरों की साक्षी है। विडंबना यह है कि इनकी ऐतिहासिकता और महत्व से यहीं के लोग भी खबर हैं। शासन प्रशासन की बात तो दूर की है। पृथ्वीराज चौहान की चक्की के पाठ को ही ले लीजिए, 1000 साल से पुरानी इस धरोहर का अस्तित्व संकट में है। आए थे अल्हाउदल और मिल्खानह संभल महात्म्य। पुस्तक के अनुसार करीब 1000 वर्ष पूर्व राजा पृथ्वीराज चौहान कन्नौज नरेश जयचंद की पुत्री सयोगिता का हरण करके लाए थे। उसी समय जयचंद की सेना के वीर योद्धा आल्हा उदल और मलखान सिंह अपना वेश बदलकर नटकी वेशभूषा में सयोगिता का पता लगाने संभल आए थे। डाकखाना रोड पर कोटपूर्वी मोहल्ले में आज जहां चक्की पाठ है, वहां एक किला था जिसमें एक खिड़की थी। नटकी वेशभूषा वाले आल्हा ने खिड़की से झांकने के लिए कला का प्रदर्शन करते हुए पहले वहां एक छलांग लगाकर कील ठोंकी और फिर वहां चक्की का पाठ टांगा। उस समय इसकी ऊंचाई 60 फुट थी। मुख्य उद्देश्य खिड़की से यह देखना था कि सयोगिता किले में है या नहीं। बताते हैं कि सयोगिता का पता चल गया, जिसके लिए बाद में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हुआ। इसी समय यह शाही ऐलान किया गया कि अब कोई नाथ संभल में कला का प्रदर्शन नहीं करेगा, यदि करेगा तो उसे पहले एक ही छलांग में इस चक्की के पाठ को उतारना होगा। परंपरा अनुसार आज भी कोई नट संभल में अपनी कला का प्रदर्शन नहीं करता। 14 मैं पूरी दुनिया फ्रेंडशिप को बहुत अहमियत देती है। हमारे आसपास भी दोस्ती के कई किस्से या कहानियां होती हैं, जिन्हें देख सुन हम भी दोस्ती पर विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ दोस्ती और प्रेम कहानियां इतनी रहस्यमय होती हैं कि उन्हें समझना तो दूर वो आखिर थी क्यों, इस पर सवाल उठने लगते हैं। कुछ ऐसी ही अनसुलझी प्रेम व दोस्ती की कहानी है संभल में तोटा मैना की मजार की, जिसे आज तक कोई भी सटीक तरीके से बयान नहीं कर पाया है। हालांकि अलग अलग लोगों के पास अलग अलग जानकारियां और किस्से जरूर हैं। स्थानीय इतिहासकार फुरकान की माने तो तोटा मैना की मजार का इतिहास 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। वे कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान इस जंगल में तोता मैना के जोड़े को देखकर बहुत खुश होते थे और वे अक्सर उन्हें देखने आते थे। जब ये तोता मैना नहीं रहे तो राजा ने उनकी याद में ये मजार यानी कब्र बनवा दी, साथ ही उनके किस्से भी इसके ऊपर दर्ज करवा दिए। लेकिन इस कब्र के ऊपर क्या लिखा है ये आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। हिंदी, उर्दू, अरबी और न जाने किन किन भाषाओं के लोगों ने इसे पढ़ने समझने की कोशिश की, लेकिन कोई इस भाषा को नहीं समझ सका। वहीं बताया जाता है कि एक बार इसे खोदने की भी कोशिश हुई, लेकिन काफी गहराई तक खुदाई के बाद इसे रोक दिया गया। उसके बाद पुरातत्व विभाग ने इसका सर्वेक्षण कर इसे अपने कब्जे में लिया और इसे ऐतिहासिक इमारत घोषित कर दिया। कई सदियां गुजर जाने के बाद तोठा मैना के कई किस्से अब भी जिंदा है। कहा जाता है कि तोठा और मैना घोड़े पर एक साथ सवारी करते थे और जिधर से ये निकलते थे हर कोई इन्हें देखता रह जा था। उनके प्यार का हर कोई दीवाना था, लिहाजा आज भी उन्हें जानने की जिज्ञासा बरकरार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें।